हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर भी। इसके अलावा आप मेरी ऐप पर जा सकते हैं और ऐप पर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑलराइट, तो ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट मीन जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तब हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी की जब बात करें इट मीन्स हम क्या बात करें, हम एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम बात करें इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी, अब इंडिया की जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है इसमें जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो है वो सब मिलकर के क्या बना रही है, हमारी इकोनॉमी को बना रही है। तो वो जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर की क्या कंडीशन थी, जैसे कि हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, फॉरेन ट्रेड के हालात क्या थे, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या आलम था। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें कवर करना है। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक जो है वो क्या है, पहला टॉपिक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। आप एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या कंडीशन थी और एग्रीकल्चर कंडीशन जो थी वो किस वजह से ऐसी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक वन की कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन जो है बहुत बुरी थी, स्टेग्नेंट थी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, पहला रीजन है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम बात करें तो पहला जो रीजन है वो है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा रीजन की यदि हम बात करें, दूसरा रीजन है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड है आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड फोर्थ है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं। उसके पहले आप इन चारों पॉइंट को आप याद रख लीजिए। यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इसमें आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा LLCA। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एल की, इट मीन लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम की हम बात करें तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें उस समय क्या सिस्टम था, लगान वसूलने का क्या सिस्टम था, कर वसूलने का क्या सिस्टम था। तो उसका जो सिस्टम था, आप लोग इसमें तीन चीज़ों को जिक्र कर दें, महलवारी, रोयतवारी और जमींदारी सिस्टम को। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या है, सिंपली हम बातचीत करें, इसमें थोड़ा वो दो चार चीज़ें आपको पढ़ना है। और सिंपल सा सिस्टम ये था इसमें कि जो एक मान लीजिए एक हम चार या पाँच गाँव की बात कर लें, चार या पाँच गाँव पर एक जमींदार है और असली मालिक जो है उसको बना रखा था ब्रिटिश गवर्नेंस में, किस लिए, ताकि वो जो है किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा जो है लगान वसूल पाए, और वो लगान वसूल करके फिर आगे वो जिले के लेवल पर पहुँचाएंगे, फिर वो जो है आगे पहुँचाएंगे। तो सारा ये वसूल करने के लिए, जो किसानों से अच्छा खासा लगान वसूल करने के लिए जमींदारी और रोयतवारी सिस्टम जो है लागू किया गया था। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हम लोगों ने पुराना टाइम जो ना लाला मेरी माँ के कंगन दे दे लाला, तो वो यानी कि वही जो लाला लोग उस टाइम थे, मतलब मैं सिर्फ डायरेक्टली किसी लाला पे मत जाना आप, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय जो है अच्छा खासा लगान देने की वजह से किसान के पास कुछ नहीं बचता था, और फिर जो है कर्ज लेना पड़ता था, और जो कर्ज लेना पड़ता था, कर्ज लेने किसके पास जाएगा, वही लाला के पास, जो जमींदार हैं, जो रोयतवार है, जो महलवार है उसके पास जाएंगे, और उससे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। तो पहला जो प्रॉब्लम थी या पहला जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो बुरी हालत थी उसके वजह पहली ये थी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो बड़ा ही मतलब कहेंगे ऐसा क्रूशियल था, और कहेंगे बिल्कुल किसानों को मतलब जो उस टाइम के किसानों को मतलब वाट लगने वाला था। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एल लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के साथ में एबिलिटी लग गई तो प्रोडक्टिविटी, जिस तरह से कहे ना कोई भी वर्ड के साथ में जब ईटी लग जाता है यानी कि वो एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसे कि कैपेबिलिटी,
है ना, इम्प्लॉयबिलिटी, इसी टाइप से प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो आप जिस, जैसे कि आज आपके पास मान लीजिए 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन पर आप जो है 5 बीघा जमीन में आप मान लीजिए कि आप 25 क्विंटल की जो है फसल कर पा रहे हैं, तो वही 5 बीघा जमीन पर उस समय आप बात करेंगे 5 बीघा जमीन पर आप 3 क्विंटल फसल भी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि या बहुत कम कर पा रहे, कंपेरेटिवली बहुत कम कर पा रहे, क्यों? क्योंकि जो है कोई एडवांसमेंट नहीं है या कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, इसके अलावा जो है सारा जो चीज़ें हैं वो हाथों से ही करना है, बात तो तय है, ओबीसी बात है, पुराने टाइम पे तो टेक्नोलॉजी वैसे भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट मिल सकता था वो भी सपोर्ट नहीं मिलता था। जैसे कि हम बातचीत करें कि भाई यदि गवर्नमेंट अपने बांध नहीं बनाएगी तो जो है किसान को पानी कहाँ से मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा सिंचाई कहाँ से होगी, अब सिंचाई नहीं होगी तो फिर जो है फसल कहाँ से आएगी। या जैसे कि आज हम बात करते हैं कि भी जो है यूरिया और खाद वगैरह सब चीज़ें मिलती है, तो ये सब चीज़ें उस समय की गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, तो जब ये चीज़ मिलेगी नहीं तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम थी, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी या एक बड़े रीज़न था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो काफ़ी स्टैग्नेंट था, काफ़ी बर्बाद था। नेक्स्ट है फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स ये कि जो है पहले यदि हम बात करें ब्रिटिशर्स के पहले के टाइम की बात करें तो यूजुअली जो है फूड ग्रेन्स वगैरह उगाते थे और फूड ग्रेन्स उगा करके किसान अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को जो है उनको अपना फ़ायदा देखना था, उनका अपना फ़ायदा क्या था कि भाई जो है हम यहाँ से रॉ मटेरियल भेज सके और वहाँ से फिनिश गुड्स मंगा ले, कहाँ से? ब्रिटेन से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाना पड़ेगी, है ना, तो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने पर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किया, और जो है इस वजह से कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने की वजह से जो है किसानों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जितना बेनिफिट जो है उन्हें मिल सकता था। तो कॉमर्शलाइजेशन विषय का इसमें एक जिक्र होता है, इंडिगो का जिक्र होता है कि इंडिगो के जो है फसल करने के लिए जो है इन्फोर्स करा, अब इंडिगो की फसल से जो यहाँ से रॉ मटेरियल रेडी करते हैं और फिर बाद में वो ब्रिटेन भेजते, ब्रिटेन से जो है फिनिश गुड्स आता है वो यहीं पर ज़्यादा कीमत में बिकता। तो कॉमर्शलाइजेशन करने से भी एग्रीकल्चर का मतलब जो है भला नहीं हो पाया, या कहें कि कॉमर्शलाइजेशन कॉमर्शियल फसलें उगाने की उगाई, अब उगाने से एक तो जमीन की जो उर्वरकता है वो भी कम हो गई, दूसरी चीज़ ये कि कॉमर्शियल फसल यानी कि जो आप कैश क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे तो फिर फूड क्रॉप्स परचेस करना पड़ेगा, तो कहें कि आप कैश क्रॉप्स आपने मान लीजिए किसी की उगा किसान ने उगाई, अब उससे जितना पैसा मिला उससे वो फूड ग्रेन वगैरह उसको खुद को तो परचेस करना ही पड़ेगा, अब ये परचेस करना उसके बाद बचेगा क्या, यानी कि ओवरऑल मिला जुला के हम ये कहें कि इसमें कॉमर्शलाइजेशन होने से भी किसानों को जो है नुकसान उस समय हुआ। लास्ट जो है फोर्थ पॉइंट अपना सिंपल सा फोर्थ पॉइंट है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन जब हुआ तो पार्टीशन होने की वजह से जो है हमारे देश के किसानों को उस समय काफ़ी नुकसान हुआ। अब काफ़ी नुकसान कैसे हुआ, जैसे कि हम बात करें कि जूट की बात करें, जूट में जो है हमारा देश नंबर 1 पे था जूट के प्रोडक्शन में, अब लेकिन ये मैक्सिमम जो जूट का प्रोडक्शन है वो होता था मतलब वो आज का जो एरिया है, आज वो एरिया जो है बांग्लादेश में है, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में आपको पता होगी शायद कि जो है एक युद्ध हुआ और उसमें जो है वो एक नया देश बन गया, हमारा देश नहीं बनवाया, तो नया देश बन गया बांग्लादेश, तो वो जो एरिया जो हमारे पास जो पहले हुआ करता था जूट प्रोडक्शन वाला वो पूरा ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया। इसके अलावा ये जो सिंध वगैरह इस टाइप इस साइड का जो एरिया है जहाँ पर ज़्यादा फसल होती है, जैसे शुरुआत से हम बात करते हैं पंजाब खेती में काफ़ी आगे, तो ये वाला एरिया भी पंजाब का भी काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो जो ज़्यादा एडवांस वाले एरिया थे जहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था या खेती की हालात अच्छे थे वो वाला एरिया भी जो है हमारे पास से चला गया, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जो जितना प्रोडक्शन जिससे पहले होता था उससे कम हो गया था, यानी कि मिला जुला के हम बातचीत करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हालात थे वो लगभग ख़राब थे, और ख़राब होने की जो वजह है वो वजह कौन कौन सी हैं, वजह है वो वजह 4 वजह हैं मेनली, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन LLCA। ठीक,
तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम एक के बाद एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। अभी ये पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, ठीक। इसकी आपको कुछ भी आपको नोट वोट करने की जरूरत नहीं, आपको हमारे ऐप पर जो है इसकी पीडीएफ वगैरह आपको कंप्लीट मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, ठीक है। और ये टॉपिक ज़्यादा समझ में नहीं आया तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आने वाला टॉपिक समझ में आ जाएंगे। अभी थ्योरी है तो थोड़ा बहुत तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।